मम्स डिजीज कॉज्ड बाय मम्स वायरस पैरा मेगजो वायरस आरएनए वायरस। जो मम्स डिजीज है उसका कॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो एक मम्स वायरस है, पैरामेगजी वायरस, ठीक है। ये एक आरएनए वायरस है। मेनली जो इन्फेक्ट करता है किनको, एज है जिनकी 2 से 12 ईयर तक, उनको ये मतलब बच्चों में ये ज़्यादा मिलना देखने को मिलता है। पेनफुल स्वेलिंग होती है इन पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड, जो पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड है ठीक है उसकी पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, बाइलेटरल भी हो सकती है, मतलब फेस के एक साइड जैसे चीक में पूरी ऐसे स्वेलिंग दिखती है, ठीक है। इस एक तरफ गाल के में जैसे पूरी स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। ई कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स, मतलब ये दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकती है डिजीज़ अगर सीवियर हो जाए। ट्रांसमिशन बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा, किसके द्वारा ये फैलती है, वो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा या फिर फॉर्मेटिस के द्वारा। फॉर्मेटिस का मतलब होता है कि जैसे क्लॉथ्स, टेबल एक्सेट्रा, ये मतलब जो भी थिंग्स हैं जिनको पेशेंट ने, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है तो उसको फॉर्मेटिस बोला जाता है। मतलब उसको अगर कोई नॉर्मल इंसान भी टच कर लेता है तो फिर ये फैल सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, पहले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि मतलब जब ऑर्गेनिज्म ने, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में चला गया, ठीक है, उसके बाद वो सिम्टम कब शो कर रहा है, एक बार जाने के बाद मतलब 2 से 3 हफ्ते बाद वो सिम्टम शो करेगा अपने, ठीक है। अभी फिर क्या रहते हैं सिम्टम उसके, स्वेलिंग, स्वेलिंग बाइलेटरल, मतलब माउथ जैसे गाल में, दोनों एक गाल पे भी हो सकती है, दोनों गाल पे भी हो सकती है, एक चीक पे, ठीक है। मतलब मेनली पर ये यूनिलेटरल रहती है एक साइड, ठीक है, मुंह के एक साइड स्वेलिंग रहती है इसमें। फीवर हो गया, ईयर एक हो सकता है, हेड एक, बॉडी एक, जा टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब होता है टच लगाने पे पेन होना, टच करने पे पेन होना, जैसे हाथ लगाओगे फिर पेन होना। ड्राइनेस ऑफ माउथ इसमें रहता है। पैथोजेनेसिस, जो देखो ये वायरस है जब वो एंट्री होती है उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, किसी भी ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब वो वायरस जाता है तो वो वहाँ की लिम्फ नोड्स पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो वायरस है जो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं वायरेमिया। फिर वो स्प्रेड होता है ग्लैंड ऑन अदर साइड्स में, ठीक है, वो नेक्स्ट आगे फैल जाता है। मतलब इसमें आपको मेन ध्यान में रखना है कि ये एक वायरल डिजीज़ है, मम्स वायरस द्वारा ये फैलती है, ठीक है। पेनफुल स्वेलिंग होती है इसमें पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड में पेनफुल स्वेलिंग इसमें रहती है, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 3 वीक है। और इसके सिम्टम्स स्वेलिंग, हेड एक, बॉडी एक, फीवर, ईयर एक, जाओ में टेंडरनेस रहती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, ये आपको मेन इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जब इसका वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, वो लिम्फ नोड्स में फैलता है, फिर वो ब्लड के साथ अगर मिक्स होता है तो उसको वायरेमिया बोला जाता है। फिर ब्लड के साथ देखो एक बार मिक्स हो गया तो फिर वो आगे स्प्रेड होना ही है, ठीक है, क्योंकि ब्लड एक हर जगह जाता है हमारी बॉडी में, तो फिर वो आगे नेक्स्ट स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस, अब इसकी डायग्नोसिस है जो, ठीक है, वो फिज़िकल एग्जामिनेशन, मतलब 100 बंदे को देखने से, पेशेंट को, बच्चे को देखने से ही पता चल जाएगा अगर उसके एक साइड स्वेलिंग हो रखी है, देखने से ही पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर टेस्ट कराना तो सीरम IgM ELISA टेस्ट करा सकते हैं। सीरम अमाइलेज इसमें एलिवेटेड रहता है, ठीक है, 90% केसेस में इसमें सीरम अमाइलेज एलिवेटेड रहता है। ये सीरम अमाइलेज किस किस चीज़ में ज़्यादा रहता है, इन पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड की डिसऑर्डर्स में। ये देखो ये भी तो एक सलाइवरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है ना, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का, तो इसमें भी सीरम अमाइलेज एलिवेटेड रहता है। ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक ये है, एंटीपायरेटिक्स दे दो, एंटीपायरेटिक्स दे दो PCM आइबोप्रोफिन फीवर को कम करने के लिए, ठीक है, स्टीरॉयड्स दे दो स्वेलिंग को कम करने के लिए। 21 की वैक्सीन है MMR। मीजल्स, मम्स, रूबेला, ठीक है, इसकी डोज बचपन में लगती है, फर्स्ट डोज लगती है 6 to 9 मंथ्स के बीच, सेकेंड डोज लगती है 15 to 18 मंथ्स के बीच, ठीक है। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट क्या रहता है, एक ईट सेमी सॉलिड फूड ताकि मतलब बच्चे को आसानी रहे, ठीक है, सेमी सॉलिड फूड खिला दो उसको, बहुत सारा पानी पिला दो एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट उसको दो ताकि स्वेलिंग और ना बढ़े,